दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम अपडेट देने वाले हैं भूल भुलैया 3 से रिलेटेड। आपको पता होगा कि भूल भुलैया जो 3 है वो 1 नवंबर यानी कि दिवाली के टाइम में आ रही है और आपको पता होगा सिंघम मैगजीन्स के साथ क्लैश कर रही है, लेकिन फिर भी ये न डरते हुए ये दिवाली के टाइम में ही आ रही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो सिंघम मैगजीन का है वो बिजनेस जाएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। अब अलग बात है कि वो ऑलरेडी कमा चुके हैं, 80% का उनका कमाई हो चुका है, 200 करोड़ का कलेक्शन वो कर चुके हैं सिंघम मैगजीन का। आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे मेरा अपडेट तो जाकर देख लीजिएगा। नॉन थ्रियटिकल्स राइट उनका बिका है सिंघम मैगजीन का। तो कार्तिक आर्यन की मूवी आ रही है 1 नवंबर को, तो इसके आपको मैं बता दूँ नॉन थ्रियटिकल्स राइट बिका है, अभी अभी अपडेट आई है, नॉन थ्रियटिकल्स राइट जो है वो बिका है 135 करोड़ में। और OTT भी डील हो चुका है इनका, OTT डील क्रैक कर चुके हैं। और जो 135 करोड़ मैं आपको बताया वो एक्टिंग करियर का बहुत बड़ा, मतलब कार्तिक आर्यन के एक्टिंग करियर जो अभी तक का जर्नी है कार्तिक आर्यन का, उसका बड़ा सबसे बड़ा ये बिगेस्ट डील है। और ये जो डील है वो क्रैक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। अब ये मतलब ये 135 करोड़ नॉट थिएटिकल्स राइट का मतलब समझते हैं आप, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फिल्म को, मतलब एक सिनेमा से दूसरे सिनेमाघर में ले जाते हैं, उन वो 135 करोड़ दिए हैं, मतलब इतने क्वांटिटी में ये फिल्म का जो स्क्रीनिंग है वो लगाएंगे, इसीलिए 135 करोड़ इनको मिला है भूल भुलैया 3 को। अगर मूवी फ्लॉप भी हो जाती है तो भी इनको देना पड़ेगा, इसी को कहते हैं नॉट थिएटिकल्स राइट। भूल भुलैया 3 के पोस्टर में आपको पता होगा, ध्यान से आप देखिएगा, भूल भुलैया के पोस्टर में लिखा होगा नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पार्टनर है भूल भुलैया 3 का। तो भूल भुलैया जो 3 है वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, नेटफ्लिक्स के OTT चैनल पे। और ये जो डील है वो भी क्रैक हो चुकी है, लेकिन कितना करोड़ का डील है वो नहीं अभी बताया गया, लेकिन 150-200 करोड़ का ये डील हो सकता है। ये अपडेट आई है थोड़ा, मतलब मुझे पता चला है कि 130 से 200 करोड़ का ये डील हो सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ये डील हो चुका है। अब जैसे ही बाहर आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा कि भूल भुलैया जो 2 आई थी उसका 266 करोड़ कलेक्शन हुआ था, और वो भी बजट कितना था भूल भुलैया 2 का 70 करोड़ बजट था, 266 करोड़ कलेक्शन की थी, बहुत बड़ा बिगेस्ट हिट मूवी वो था। और भूल भुलैया जो 3 है इसका 150 करोड़ का बजट है और 135 करोड़ कमा लिया मूवी, तो सोच लीजिए मूवी को कितना ही कलेक्शन करना पड़ेगा कि मूवी अपना मतलब जो बजट है वो रिकवर कर ले, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डील इसीलिए है क्योंकि कार्तिक आर्यन से 135 करोड़ रुपया मिल चुका है नॉन थ्रियटिकल्स राइट को, और मूवी का बजट है 150 करोड़, तो एक बहुत बड़ा मतलब माना जा रहा है जो हिस्ट्री का कार्तिक आर्यन का, बहुत बड़ा डील है ये। और ये OTT भी अभी डील आना बाकी है, तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भूल भुलैया जो 3 है उसका बजट पूरे तरह से रिकवर हो चुका है। अब ये सिनेमाघर में फ्लॉप भी कर जाती है भूल भुलैया 3 तो भी ये मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर फ्लॉप भी कर जाती है, मुझे तो पता है कि फ्लॉप नहीं करेगी, सिंघम मैगजीन को ये मात देगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं से भी चूक से फ्लॉप कर जाती है, अगर पब्लिक को नहीं पसंद आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कार्तिक आर्यन को। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे से जय श्री राम।